कुंडलिनी कैसे जगाई कुंडलिनी कैसे जगाई जाती है, ये प्रश्न बहुत टेक्निकल है मेरे भाई। ये अभी भी एक ऐसा एनिग्मा है, एक ऐसी एक मिस्ट्री है जिसको बहुत कम लोग जान पाते हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि कुंडलिनी कितनी फास्ट जगाई जा सकती है। इवन मैं आपको बता दूं कि हमारे दयानंद सरस्वती जी भी जब जब अपने भ्रमण में निकले थे, शुरुआत में जब वो साधु बन गए थे, वो पूरे पूरे नदी के किनारे पहाड़ों में रहते थे। वहां उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने एक लाश को बहते देखी और लाश को पानी में, अब वो अकेले थे, उनकी इतनी हिम्मत थी, जाके लाश को उठाया, अपने पास लेकर आया, चाकू उनके पास था और उन्होंने पीछे मेरुदंड को उन्होंने चीर के देखने की कोशिश की कि इसके अंदर, कहते हैं, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक नाहत विशुद्धि आज्ञा सहस्त्रार चक्र। उन्होंने कोशिश की देखने के, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया कि उनको दिखा भी नहीं। तो उस वक्त उनके दिमाग में ये भ्रम आया कि ये सिर्फ कुंडलिनी कुछ नहीं होती। लेकिन बाद में कई लोगों ने ये बात उन्होंने मंजूर की शायद कि भाई कुंडलिनी जो होती है वो दिखती नहीं आपको, वो हड्डी की तरह नजर नहीं आएगी, लेकिन उसकी एक अनुभूति होती है, उसका उसका संबंध दिमाग से है, परसेप्शन से है। आप मूलाधार में जब रहते हो तो आपका दिमाग एक तरह रहता है, आप जब आज्ञा चक्र में आते हो तो आपका दिमाग और रहता है। उसको हासिल करने के लिए साधना चाहिए। अष्टांग योग में लिखा हुआ है आपको यम नियम तप प्राणायाम ब्रह्मचर्य ये साधना करनी पड़ती है, तब जाके आप अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। खैर, इसलिए मैं इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मैं बिलीव करता हूं कि कुंडलिनी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से महसूस किया है, मैंने किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया अभी तक। क्योंकि ये जब तक कोई ज्ञानी आपको नहीं देगा तब तक आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों का दिमाग भ्रमित हो जाता है। कुंडलिनी के सामने और भी एक्सरसाइजेस हैं, खेलिए आप तो आपकी कुंडलिनी खुद ब खुद ऊपर आएगी। मकसद सिर्फ भी है कि हमारे अंदर एक प्राण शक्ति होती है, हर इंसान के अंदर एक प्राण शक्ति होती है। हमारी प्राण शक्ति हमेशा नीचे से निकलती जाती है, हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन अगर वो प्राण शक्ति अगर हम लोग मूल इंद्रियों को लॉक कर दें, वो प्राण शक्ति ऊपर आने लगे, उसी को कुंडलिनी जागृत दिखाया जा सकता है। और धीरे 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 मूलाधार से करते करते आज्ञा चक्र में लाई जा सकती है। तो मैं कहता हूं, मैं इतनी सलाह दूंगा कि आप कोई भी कसरत कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपकी कुंडलिनी खुद बहुत जागृत होगी। उसके पीछे जैसे मृग भटकता है कस्तूरी मृग के लिए, कस्तूरी कस्तूरी उसके अंदर रहती है। डोंट डू दैट। ओके, और कोई क्वेश्चन है? अरे जूम मुबारक हो। मैं जूम वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा कि हम लोग भटक गए थे और ये तो टेक्निक है हमारे, तो मैं कई बार कह चुका हूँ, रुकावट के लिए खेद। हमारे दुनिया की सबसे बड़ी एक 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 कहावत है या स्टेटमेंट है जो हर जगह, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपको कोई भी प्लेन लेट होता है तो बोलता है रुकावट के लिए खेद है। तो मैं वो शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन हुआ ये, हमने कोशिश की जुड़ने को, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए, लाइव को बंद करके मैं जूम पर आया, लेकिन जब तक देखा जूम में कोई नहीं जुड़ा था, फिर हमने एक बार फिर से लाइव को शुरू किया। मुझे नहीं मालूम लाइव में भी, क्योंकि लाइव में मैं देख नहीं पाता कितने लोग, 100 जन अभी लाइव में भी हैं। चलो मुबारक है, यहाँ 100 जन है, यहाँ पर मेरे सामने इस वक्त मैं समझता हूँ 10-12-25 लोग आ चुके हैं। चलिए फिर से आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते भी आप लोग मुझे कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं जो दूसरी बार आए हैं शायद, कुछ कुछ के जैसे वेदानंद सिंह नजर आ रही है, ये हमारी नेपाल की नजर आ रही है जो नेपाल से एकदम लगी हुई है शक्तिमान के पीछे, और दूसरी विशाल कौर कौन नजर आया था, वेदांश भी शायद पिछली बार भी था, और मैं समझता हूँ परम कुमार भी शायद पिछली बार भी थे। जो है वो गर्दन हिला दो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करो मेरे भाई। तो जिसका नाम बोलू वो बोला हाँ हम थे, फिर मुझे लगता है, और एनीवे आई मीन जो है आपका स्वागत है। कहिए आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं स्टार्ट कीजिए। मैं चाहता हूं कि योग की तरफ ज्यादा ध्यान रहे, बाकी और भी आपकी समस्याएं हैं मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो शुरू कीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा, आइए बताइए शक्तिमान जी। पहले मैं बोलना चाहता हूँ, पहले भी नए इंसान को जो पिछली बार नहीं बोली थी, मैं चलिए ये कहां से कहां भाग जाते लोग, इंदर चंद हिंदू ये शायद पिछली बार थे, ये आप अपना आप थे पिछली, आप अनम्यूट कीजिए अपनी, आपने आगे लिखा होगा म्यूट और अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए इंदर चंद्र हिंदू लीजिए, मिल रहा है आपको? जी बोलिए, मुझे आवाज आ रही है जी, आ रही, बोलिए।
जी अभी मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूँ आपसे। जो बॉलीवुड का जो नैरेटिव चला आ रहा है लगातार हिंदुइज्म को लेकर, जैसे नेगेटिव रोल्स में दिखाना, अभी जो मूवी आई थी शमशीरा रणवीर कपूर वाली, जी क्या उसमें जैसे जो नेगेटिव विलेन का रोल है उसमें उसने सर पे त्रिपुंड लगा रखा है। देखिए, मैं बता दूं, हमारे यहाँ की फिल्म की मेकिंग की स्टाइल बहुत बदल गई है। एक जमाने में हमारे यहाँ पर हीरो हीरोइन होते थे, आपको याद होगा, पता नहीं आप पैदा भी शायद नहीं हुए होंगे, पर हमारे जमाने में 60s 70s 40s 50s ब्यूटीफुल फिल्में बनती थी, पर उसमें एक मशहूर मैंने देखा मशहूर ट्रैक होता था हीरो हीरोइन का, चाहे वो दिलीप कुमार और वीना कुमारी हो, चाहे वो मधुबाला और देवानंद हो, उसके साथ में एक ट्रैक होता था महमूद और शुभा खोटे का, जिसको हम कॉमेडी ट्रैक बोलते थे। ये बहुत 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 एकदम बनी बनाई एक फॉर्मूला था। तो उस टाइम कॉमेडियन कॉमेडी करते थे और हीरो हीरोगिरी करते थे, विलन विलन गिरी करता था। लेकिन अभी धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया, आई डोंट नो कहां से आया, जो गलत है। हीरो भी खुद एंटी हीरो बन गया है। शाहरुख खान जैसा आदमी अपनी मंगेतर को कौन सी फिल्म थी वो, बाजीगर में शायद उठा के फेंक देता है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आजकल के आप लोग जो पूरे शहर पूरे देश में फैले हुए हो, कि अगर शाहरुख खान कर सकता है तो मैं भी अपनी अपनी मंगेतर कुछ बोलेगी या कोई मेरी गर्लफ्रेंड तो उसको भी फेंक सकता हूँ। गलत मैसेज है। अगर वो सर आपका माइक म्यूट है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपको आवाज? मेरी आवाज जी, अभी जी आ जी 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 यस सर, यस सर, तो मैं आ रही है कहूं कि जी सर, आ रही है आवाज। आपके कोई नहीं बोलेगा बीच में। आप लोगों को भी, सोशल मीडिया को भी मेरी शिकायत है कि आप लोग भी नेगेटिविटी में बिलीव करते हो। कई बार ऐसे ऐसे जानबूझ के कमेंट्स दिए जाते हैं कि जो मेरे को उकसाया जाए और मैं जवाब दूं। मुझे कई बार कहते हैं सर इनके बारे में जवाब मत दिया कीजिए, मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि मैं ऑनेस्टली में बिलीव करता हूं। आप लोग भी ऑनेस्टली में बिलीव कीजिए और ऑनेस्ट जवाब सवाल जवाब क्या कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी बिकती है। ये जो गंदी गंदी फिल्में आजकल, उनको लगता है कि आप बनाएंगे तो हमको पैसे मिलेंगे, गलत है, यही हमारे समाज को खराब कर रहा है। और कोई बोलेगा अभी दूसरा कौन, राहुल कुमार झा आप बाल बना रहे हैं, आइए बोलिए क्या क्या। प्रणाम पितामह, आपसे नमस्कार। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर। हम भारतवासी अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं और विदेशी परंपराओं को अपनाते जा रहे हैं, इससे हमारी सांस्कृतिक और वैचारिक पतन हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सही सवाल तुमने किया राहुल, यही हमारे आज के समाज की दुविधा है। आज का समाज कमर्शियल हो गया है। एक जमाने में करप्शन टेबल के नीचे से होता था, चल कितना पैसा दे दो, नीचे से वो लोग गड्डी पकड़ा देते थे। आजकल टेबल भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, सामने से बोलते मेरा क्या, इतनी हिम्मत हो गई है करप्शन। आप देखिए पार्थ, जिसको मैंने अभी एक वीडियो भी डाली है कि अर्जुन को पार्थ कहा जाता था, जितने भी कुंती पुत्र थे उनको पार्थ कहते थे कृष्ण, आज का वो अर्जुन, अर्जुन अर्जुन का मतलब है मैन ऑफ एक्शन। आज के एक्शन क्या करते, अपने 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 बिस्तर के नीचे करोड़ों नोट पड़े हुए, दीवारों में करोड़ों नोट छुपा के रखे हुए, जिसको लेकर जाने के लिए भी वैन मंगाई जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो एक एक कमर्शियल है कि कुछ नहीं है लक्ष्य, अर्जुन का लक्ष्य अलग था जीत, आज का लक्ष्य है पैसा 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 पैसा, कैसे लाओ, कैसे करें, कैसे कमाओ। अब उस पैसे के कमाने में देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई आदमी देख, आजकल सब लोग भाग रहे हैं, मैं एडवाइस देता हूं भागो मत, बैठो, भीड़ चल, भीड़ भाग रही है तो मैं भी भागूंगा। सोचते हैं क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं, कुछ मिलता होगा आगे जाके, वो भी उसके पीछे चले जाते हैं और भागते जाते भागते जाते भागते जाते, और जब आगे जाके थक जाते हैं दोनों एक दूसरे को देखते हैं किसके लिए आया था तू, वो था मेरे को भी नहीं मालूम, मैं तो औरों को देखा भागते हुए। सर ये हमारे देश की, ये हमारे समाज की, ये हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को कुछ ना कुछ लाभ चाहिए। बेस्ट तरीका वो होता है कि भागने दो भीड़ को, बैठो देखो मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, ये रास्ता सही है नहीं, आप 2 मिनट दिमाग को दोगे, दिमाग आपको बोलेगा गलत रास्ते में मत जाओ, लेकिन दिमाग को वक्त नहीं देते अपनी इच्छाओं को, इंद्रियों को। आजकल सब लोगों को इंद्रियों के थ्रू अच्छा खाना, अच्छा देखना, फिल्में देखना, गंदे गंदे गाने सुनना, तो मेरे ये
आप सही बोल रहे हो, हम लोग बहुत गलत समाज में है जिसको जिसको सुधारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप जैसे यूथ जो है वो भी देश को सुधार सकता है। आप लोग अगर सुधरोगे और पकड़ोगे, मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि फिर से भी वही कह रहा हूँ कि किसी के घर में अगर ये नहीं मालूम कि लक्ष्मण किसके, राम हनुमान किसके लिए संजीवनी बाढ़ उठा के लाया था, अगर वो नहीं पता है आज के बच्चों को, पकड़ के पीछे खींच के लाओ, माँ बाप को बोलता बैठाओ देखो ये हमारी परंपरा है, ये मोबाइल फोन, ये पिक्चरें, ये शैशाएं, एक एक मिनट की वीडियो, डांस करते हैं, करोड़ करोड़ लोग देखते हैं, मैं हैरान होता, कुछ नहीं होता है भाई, एक तीन लड़कियां नाच कर रही हैं, करोड़ रुपए करोड़ व्यूज मिल जाते हैं, क्यों साहब, कौन कौन देखता है उसको। एनीवे आगे बढ़ते हैं। परम कुमार कुछ बोलोगे, टीका लगा के आए हैं आप? जी 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 प्रणाम सर, मैं जी जी प्रणाम सर, मैं परम कुमार रायपुर छत्तीसगढ़ से, मैं 17 साल का हूँ और मैं असल में हिंदुत्व के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। मैं ब्लॉग लिखता हूँ और मैंने अभी एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है वास्तविक आईना भारत के इतिहास का, जिसमें मैंने भारत के उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में और उन राजाओं के बारे में बताया है जिनके बारे में आजकल की जो यूथ है, मतलब मेरे जनरेशन के लोग हैं, वो लोग डिस्कशन नहीं करते, मालूम ही नहीं उनको, और मेरा बिल्कुल नहीं मालूम है, उनके बारे में मैंने बताया। और अभी रिसेंटली मैं एक और पुस्तक पे भी काम कर रहा हूँ जिसका टाइटल है जो कि बेसिकली महाराणा प्रताप के जो 17 पुत्र थे, हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में तो अब काफी जान गए हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं जानते, पर जो महाराणा प्रताप के 17 पुत्र रहे उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडिया के लिए, उनके ऊपर भी मैं अभी एक पुस्तक लिख रहा हूँ। और बेसिकली मैं एक ब्लॉगर हूँ तो मेरे जो ब्लॉग्स हैं उसमें मैं केवल भारत के इतिहास के बारे में लिखता हूँ और उसको कई देशों में लोग पढ़ते भी हैं, 160 से ज्यादा देशों में उनको पढ़ा भी जाता है। तुम परम परम अरे तुम बहुत परम परम काम कर रहे हो, ये मैं बहुत ही साधुवाद दूंगा कि तुम ये काम कर रहे हो, किसी ने तो शुरू करना है। देखिए मैंने किसी स्टूपिड लोग मुझे कहते सर कोई जुड़ने वाला नहीं, लेकिन किसी ने किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ती, मैंने बांधी, मुझे नहीं पता कि मैं मेरे पास कितना वक्त है कि मैं लोगों को वक्त दे पाऊंगा, लेकिन अगर मेरी बात पकड़ ली अगर और तो हिंदू एक हो जाए। वैसे आप जो बोलते महाराणा प्रताप के बारे में, अरे साहब बच्चों को तो छोड़ो, महाराणा प्रताप का भी कई लोगों को पता नहीं, सो आप लोग जी 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 फैलाइए। क्यों बता दो छोटा सा रीजन, पिछली सरकार ने सिलेबस में जो जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट माइंडेड लोगों ने लिखा है। हमारा इतिहास अगर अंग्रेजों के मुगलों के बारे में लिखा गया, मुगल आजम फिल्म बन जाती है, लेकिन मुगलों ने जिस पे राज किया, अत्याचार किया है, उन लोगों की कहानी एक छोटे से पैराग्राफ। आई थिंक गवर्नमेंट इज वर्किंग, जहां तक मैं जानता हूं, मैंने कहा भी है उनको, मैंने कहा सर चुपचाप सिलेबस चेंज कीजिए। देखिए आप 17 साल के हैं, आपने 8 साल में जो स्कूल में पढ़ा होगा वही आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा। छठी से गीता पढ़ाइए छठी जी। और पकड़ते हैं शिवंजन त्रिपाठी। यस नमस्कार, मैं कहना चाहता हूँ नमस्कार विष्णु पितामह जी। नमस्कार नमस्कार सर, मैं मंजू कुमार, मुझे बोलिए और किसी ने नहीं बोलना है। हेलो सर, या बोलिए बोलिए सर, आप बोलते हैं, बोलिए। ओके नमस्कार सुनते दामा जी, कुछ है बोलने का? हाँ मैं बोलना चाहूंगा। हेलो सर, ओके सो मैं बोलना चाहता हूँ। यार मुझे बोलने दो यार प्लीज, एक मिनट लाइक ओके थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये कि सर मुझे बताए ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन मैं आई एम बिट ऑफ इमोशनल, मैं मेरे पास सब नहीं बोलने के लिए, लाइक आई कैन नॉट इवन लाइक बोल नहीं सकता कि राइट नाउ आई एम स्पीकिंग टू माय लाइक चाइल्डहुड आइडल। मतलब मेरे साथ साथ मेरे लाइक पूरे फैमिली का
एक यू नो हीरो हमारे सामने बैठा है. सो थैंक यू सो मच दैट आई गॉट लाइक आई वुड लाइक टू थैंक गॉड एज वेल दैट आई हैव दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू लाइव. आपको पता नहीं आप बोलिए कुछ बोलना चाहिए आप कुछ सवाल. बिल्कुल छोटा सा सवाल है बस. सो मैं ये बोलना चाहता पूछना चाहता था कि आई मीन अभी जितने सारे एक्टर्स जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं रियल लाइफ के लोगों को देख के या फिर किसी भी तरीके से अगर रेफरेंस हो तो हम इजीली किसी कैरेक्टर को बना सकते हैं. लेकिन जैसे आपने पोर्ट्रे किया था मतलब विष्म पितामह जी का लाइक उसका कहीं पे भी और ही इज अ डिफरेंट ऑल टूगेदर इज अ यू नो मिराकुलसली वंडरफुल कैरेक्टर. सो आपने कैसी कहां से मतलब वो रेफरेंस लिया ताकि आपने उसको इतने इनक्रेडिबल तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर पाया. सो ये शिव शिव अरे भाई साहब आप तो से रिलेटेड बात करो ना. मैं जवाब दूंगा चुप रही सब लोग. शिव मैंने बचपन में जब मैं 7, 8, 9 साल का था स्कूल में मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की संक्षिप्त महाभारत के दो अंश आते हैं खंड प्रथम खंड सेकंड खंड. उस जमाने में मैं चंदा मामा पढ़ता था उस जमाने में मैं चंद्रकांता पढ़ता था. तो मैंने महाभारत को ऑलमोस्ट इसलिए पढ़ी कि उसके अंदर तीर कमान मारा छुपके कर्ण ने मारा तलवारबाजी गदा मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने पूरी किताब चाट डाली. और मैं अपने बिल्डिंग के बच्चों को कमरे में बैठ के सुनाता था और हम लोग पतंग की काटके काटके लड़ते थे कि चल तू कर्ण वो अलमारी के पीछे खड़े होकर हम लोग तीर मारते थे. दैट हेल्प मी टू परफॉर्म भीष्म पितामह वेल बिकॉज व्हेन आई प्ले भीष्म पितामह आई व्हाट वाज हिज रिलेशन विद कृष्णा व्हाट वाज हिज रिलेशन विद अर्जुन what was his relation with Duryodhan what was with his with Vidur. So you know character ka sur mil gaya tha mujhe aur fir malik ki daya hoti hai performance mein Saraswati Devi sir ji aur abhi aur bolega kaun bolega. Hello namaskar Bhishma Pitamah namaskar sir main kuch bolna chahta hu. Ab boliye sir aap agar main kavita bol de hello sir boliye Vishal sir boliye ha आपका जो ये कम्युनिटी है शिफ्ट करिए. नमस्कार सर किस पर शिफ्ट करें टेलीग्राम यहाँ पे आप अनलिमिटेड लोगों के साथ बात कर सकते हैं. यहाँ पे लिमिट लगा दे, 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 और मैं ये पहले सर मैं बात करना चाह रहा हूँ. सर मेरा नाम मंजू कुमार है मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ. प्लीज मेरी हेलो बात मंजू कुमार लीजिए भाई प्लीज जानकारी करके बात जानकारी देनी है प्लीज. कौन बोलेगा प्रभु मैं बोलना चाहूंगा भाइयों ये बहुत जरूरी बात करनी है मुझे. बात करनी है क्या आप साइलेंट थोड़ा जल्दी में हूँ प्लीज 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 बोलिए. कौन बोल रहा है नाम बताइए अपना नाम बताइए पहले. सर मंजू कुमार बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से. मंजू कुमार मानो बोलिए और जल्दी बोलिए. सर मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ आपको. ये जो हम लेके चल रहे हैं अभी अपना टारगेट हिंदू एकता दिवस का जी सर मेन जो प्रॉब्लम है हमारे एक ना होने की वो वजह है जाति बिरादरी का होना. ओके सर जब तक हमारे बीच में जाति बिरादरी रहेगी तब तक हिंदू एक नहीं हो सकता. आप शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो लेकिन मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ. जब भी इलेक्शन आते हैं सिर्फ दो ही चीजों को मुद्दा बनाया जाता है एक नशे को और एक जाति बिरादरी को. सर जाति बिरादरी इतनी ज्यादा फैल जाती है इलेक्शंस के टाइम पे जैसे हिंदू मुस्लिम हो रही हो आपस में. अच्छा मैं जब तक ही हमारे बीच से समझ गया होगी छोटा रखिए मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ. देखिए जातिवाद हमारे में मनुस्मृति से है. जब हमने क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की चार वर्णों की स्थापना की थी. आप सब लोगों को ये दिमाग में आना चाहिए कि ये कोई भी हर आदमी इंपॉर्टेंट है. शूद्र भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना क्षत्रिय है. क्षत्रिय ने अपने शस्त्रों की शिक्षा ली पंडितों ने ज्ञान पढ़ा वेद पुराण पढ़े और चलो हम लोग झाड़ू मारेंगे वो स्वेच्छा से हुए के लोगों ने स्पेशली
हजनों को पकड़ पकड़ के काम कराया, 10-10 रुपए में उनको बंधुआ मजदूर के काम का। तो आप राइट है, हमारा पर हमारे यहाँ पर जात है, पर डरिए मत उससे। आप जिस दिन देखिए, मैं तो ये तो आप सिर्फ जात की बात कर रहे हैं, ये गलत बोलते हैं कि अब जब तक जात प्रथा रहेगी लोग नहीं मिलेगा। अरे साहब, शूद्र भी हिंदू है, क्षत्रिय भी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू है, वैश्य भी हिंदू है, तो कहां से जाति प्रथा विश्व आई? इलेक्शन में चलता है, इलेक्शन में वोट का फायदा उठाया जाता है। हम यहाँ किसी का फायदा नहीं उठा रहे, हम उनका ही फायदा करने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग जुड़ जाइए, भले आप वैश्य बन के जुड़े, जरूरी नहीं है कि आपको पंडित बन के पंडित से जुड़ना है। आप अपने अपने कर्म क्षेत्र में रहो, लेकिन आप ये मानो कि आप ओरिजिनली हिंदू हो। जिस दिन आप मान जाओगे, वो सिख भी हमारे साथ आएंगे कि सिख भी मैं हिंदू मानता हूं, जैन को भी हिंदू मानता हूं, मैं बौद्ध को भी हिंदू मानता हूं, क्योंकि ये तीनों जातियां हमारे हिंदू सनातन हुआ हुआ। हेलो, कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिमों ने हिंदुओं से, सो डोंट बॉदर अबाउट दिस। ओके, कौन बनेगा? बात और बोलना चाहता, नाम बोलो। सर सुनील कुमार, अगर मुझे इजाजत मिले तो मैं करूँ आपसे। कौन बोल रहा है? विशाल शर्मा बोलो। सर मैं एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको नमस्कार, और रुक में बोलो। हाँ, ये हम बात करते हैं अभी, कौन है यहाँ पर? आप रुक जाइए, आपका टाइम, मैंने टाइम दिया अभी अभी। चलो रेखा जी, आप सर प्लीज सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ। प्रभु सर, ओके, वेदांश क्या बोल रहा है? वेदांश, हाँ वेदांश बोलेगा, और कोई बोलेगा? सर एक क्वेश्चन है सर मेरा, सर मेरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था और ये लोग समझ नहीं आया उस बात को। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये म्यूट अनम्यूट म्यूट कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप सुन तो लीजिए पहले। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर मैं पूछना चाहता हूँ, सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा हिंदू धर्म में कोई, जैसे आजकल के युवा लोग हैं, तो हमारे कोई ऐसा यूनिफॉर्म है सर? क्या आप ऐसा यूनिफॉर्म हमें बता सकते हैं या हमारे धर्म गुरु हमें बता सकते हैं जो सभी लोग हमारा उस धर्म यूनिफॉर्म को कम से कम एक डे तो फॉलो कर? आप सिर्फ भगवा पहनो तो आप साधु बन गए, ये भी गलत बात है। अंदर से साधुवाद निकलती है, तो ये ड्रेस का कोड भूल जाइए। आप अपने अपने ड्रेस में रहिए, लेकिन हिंदी इंडियन की ड्रेस होनी चाहिए, वो जरूरी है, तो अच्छी बात है। पर अगर आप पैंट शर्ट पहनकर भी आप हिंदू रह सकते हो, आप गेरुआ वस्त्र पहनकर भी हिंदू रह सकते हो, आप सलवार कमीज पहनकर भी रह सकते हो, साड़ी पहन के भी हिंदू रह सकते हो। आप मत बोलिए मुझे कि एक ड्रेस कोड कोई अनाउ करे तो उसकी कोई स्कूल नहीं है, इसे ये स्वेच्छा से करने वाली बात। आपके अंदर से जब तक नहीं निकलेगा कुछ नहीं होने वाला है, माफ करना। ओके, वेदांत सिंह सर, मैं बोलू मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि अभी रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा किया है कि अभी सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा किया है कि ना कि इस्लाम का उदय, इसको रिमूव, तो इसके लिए जो है ना हम लोगों को क्या करना चाहिए जो कि हमारे सिलेबस में चेंज हो? जैसे ये राइज ऑफ इस्लाम था, इसको अभी चैप्टर से हटाए हैं, तो हम लोग तो अपने लेवल पे जो कर रहे हैं आप जैसे बता रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए? आप ऐसा क्या करेंगे जो कि कुछ नया चैप्टर हम लोगों के सिलेबस में भी जुड़ जाए जो हमारे सनातन धर्म से हो? ये अगर आप स्टेप लेंगे तो ये हो जाएंगे। पूरे दुनिया जीने का तरीका, आपका अस्तित्व, आप कौन है, कृष्ण कौन था, अर्जुन कौन था, वो सिर्फ महाभारत तक नहीं जुड़ा हुआ। आज भी अर्जुन है, आज भी कृष्ण है, आज भी दुर्योधन है, आज भी शकुनी मामा है।
आप बच्चों क्लास में डाल दीजिए सिलेबस पे, भले बच्चा बोलेगा कि ये क्या है हमको नहीं आता, श्लोकों को हिंदी में ट्रांसलेट करके उनको बताइए, गीता को तो अवेलेबल होता है, तो बच्चा बाप पूछेगा कि अर्जुन को कृष्ण ने कहा था, बाप बताएगा कि ये कहा था, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अवर हिंदू सनातन धर्म। बात दूसरी बात, कंपल्सरीली स्कूल में योगा स्टार्ट कीजिए, छठी से शुरू कीजिए। देखिए एक जमाने में, मैंने पिछली बार भी कहा था, लॉर्ड मैकॉले ने शायद 1837 था या उसमें, उस बंदे ने अपने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं एक ऐसी चीज छोड़ रहा हूं हिंदुस्तान में, इनके 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 सारे के सारे संस्कृति खत्म कर देगा। इंग्लिश स्टार्ट की थी उसने 6th स्टैंडर्ड से, आज तक हम कॉन्वेंट स्कूल के चक्कर में फंसे हुए। जो आप बोलते हैं हमारे चैप्टर में ये है वो नहीं है, जो होना चाहिए। सिलेबस ओके, राहुल कुमार झा नमस्कार सर। कौन कौन बोल रहे हैं, बोलिए। देवदर्शनी बोलिए। शक्तिमान जी आपको मुझे याद है ना सर? कौन बोलेगा प्लीज, हाँ बोलिए सर। प्लीज वेदांश बोलना चाहिए, वेदांश चुप हो जाओ। देवदर्शनी कुछ बोलना है, बोलिए। शक्तिमान जी आपको मुझे याद है ना? क्या याद है? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा नाम राहुल यादव है ना सर? मुझे बोलने दो सर, प्लीज मुझे बोलने दो सर, मैं कब से रुका हुआ हूँ। अभी वो बोल रही थी, मैं बोला सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर आपसे, कि जितना हमने महाभारत पढ़ा है तो उसमें एक लाइन थी कि द्रौपदी ने अंधे का अंधा पुत्र को कहा था, पर आपके महाभारत में दिखाया गया है, तो क्या सच है क्या गलत है, मुझे जानना है। मैंने सवाल सुना बराबर, फिर से बोलो, फिर से रिपीट करो। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो महाभारत जिसमें लिखी है व्यास जी ने, उसमें लिखा था कि द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहा था, और आपके महाभारत में दिखाया गया है, तो सच क्या है झूठ क्या है? नहीं, द्रौपदी बारे में क्या लिखा हुआ है? सर द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा, जब इंद्रप्रस्थ की माया महल में गिर गया था दुर्योधन। देखिए विनांश, ये बात सही है, ये महाभारत में व्यास मुनि के महाभारत में भी इस घटना का जिक्र है। देखिए कोई भी युद्ध, आज आप देखिए कलयुग में आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स कल्कि, लोग कहते हैं कल्कि का अवतार होने, हमारा कलयुग अभी सिर्फ आधे पे भी नहीं पहुंचा, ये महाप्रलय त्रेता युग कलयुग में। तो आप जो कह रहे हो कि महाभारत युद्ध का होना बहुत जरूरी है, सर युद्ध में ये एक कारण बना कि दुर्योधन को उसने बुरी बात सुनाई, दुर्योधन कोई नहीं बोलेगा बीच में, सर मत बोलो प्रभु, हम लोग बात कर रहे हैं ना, इतनी सी रखो अंदर आपके, अगर आपको ज्वाइन करना है मेरे साथ तो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अनकंट्रोल्ड थिंग्स। आपको बोले तो मच्छी बाजार नहीं बनाएंगे इसको आप जी। मैं आपको समझा दिया बेटा, एक बहाना नहीं था लड़ाई करने का, जो था देखो सारे लोग अपने अवतार लेकर आए, नीचे आए, हर आदमी अवतार लेकर आया था, भगवान जो है भीम के रूप में आए थे, अर्जुन का वो था लड़ने के लिए आए थे। चलिए मेरा सवाल का जवाब गया, और कौन बोलेगा अभी? सर मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, सर सर एक मिनट भाई लोग, भाई लोग एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन है सिर्फ एक, सर मैं यही बोलना चाहूंगी आगे से मीटिंग मत करना प्लीज सर, सुनिए आपको बोलने नहीं देंगे प्लीज सर, आगे से जो मीटिंग मत करना प्लीज। मैं भी यही बोलने वाला था कि आप जूम मीटिंग, सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, सर जब आपने ये मदरसे चल रहे हैं अपने हिंदुस्तान में, ये मदरसे को क्लोज कर देके आपने जो गुरुकुल जो पुरानी नियमा थी, गुरुकुल में सब हिंदू धर्म के पूरे
वेद पुराण भगवत गीता रामायण पूरे चलते थे सर, जब अगर वही रूल्स अभी आ जाए तो अपने हिंदू धर्म में तो पुनः और हिंदू के मन में एक नई ऊर्जा पैदा हो सकती है सर। अच्छा प्रभु मैं आपका जवाब देता हूँ, मदरसे और हिंदू शास्त्र की किताबों में फर्क है। मैं आपको जैसे कह रहा हूं कि ये एक फैक्ट है कि हमारा सनातन धर्म आज का नहीं है, हजारों साल का है। वो युग बदलते हैं, सनातन विष्णु के साथ भी था, कृष्ण के साथ और आज भी साथ में है। लेकिन ये जो बीच में वो संप्रदाय है, मैं संप्रदाय कहूंगा, ये मुस्लिम धर्म क्रिश्चियन धर्म ये एक ब्रांच निकला है हमारे उस जमाने से। क्योंकि अगर आप महाभारत भी पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस वक्त पूरे अर्जुन ने पूरे पूरे पूरी के पृथ्वी पर राज किया था उसने, जब उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कहने का मतलब ये जो नई संप्रदाय आई है, हजार 2000 साल से ज्यादा नहीं है, 2000 कर लो 3000 कर लो, हम बात कर रहे हैं अपने युग की, जो 5000 तो छोड़िए दिखा है। आज भी आपको मिलेगा हमारे हमारे के लंका के बीच में आपको पुल दिखेगा, द्वारका दिखी। आप हमारी चीजें हम नहीं पढ़ाते, ये संप्रदाय ठीक है, अच्छा चल रहा है, ये हमको दूसरे धर्म के लोगों को मारना है। हिंदू कभी नहीं करता ऐसा, ये बार बार बताया जाता है हिंदू सांप्रदायिक हो गया, हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हुआ। हिंदू के सांप्रदायिक न होने की वजह से मुगल आए हैं अंग्रेज आए हैं। तो आज अगर मदरसों में पढ़ाया जाता है तो पढ़ाइए, अपने कुरान पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन कभी भी नफरत मत फैलाइए। तो आप जो कहते हो वो मेरे हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में है, सरकार करे। जय श्री राम। सर मैं चलो मेरे पास ज्यादा नहीं बचा है, आप लोगों का देता हूँ बोलने के लिए, जल्दी कौन बोलेगा? सब लोगों ने परम कुमार क्या बोलना चाहूंगे? हेलो जी सर, एक्चुअली ना मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्ट्रीट टॉक्स बाय परम करके, मैं उस पे आपको एक्चुअली ना एक इंटरव्यू के इनवाइट करना चाहूंगा, मतलब मेरे से भी कुछ यूथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपने इसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो वो भी थोड़े मोटिवेट होंगे। ज्यादा नहीं, बस 4-5 क्वेश्चन आपसे उस चैनल पर पूछना चाहूंगा। पॉसिबल नहीं परम, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, अभी कभी जिंदगी में, फिर कभी करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको विराम देना चाहूंगा क्योंकि वक्त आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाल के आप आए हैं, मुझे भी खुशी आप सभी लोगों से मिलकर, क्योंकि मैं आपके कॉमेंट पढ़ता रहता हूँ। कहना चाहता है, टाइम नहीं है मेरे पास, पूछना चाहता हूँ। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो, हाँ बोले बोले, आप टेलीग्राम पे सेशन को करिए, सेशन को टेलीग्राम पे करिए, ठीक है? आप वहाँ पे एक्स्ट्रा अलग से पावर पाएंगे, जैसे आप किसी को म्यूट कर पाएंगे और बहुत सारे फैसिलिटी पाएंगे टेलीग्राम। आपकी बात को सुनने हम कोशिश करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम है वो उस पे काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी सर। धन्यवाद सर, हेलो। हम लोग कोशिश करेंगे, मंगलवार को एकता दिवस बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड आप सभी को मेरी तरफ से आशीर्वाद। बाय बाय।